यहाँ पे देखो ये सीन है, हमको ये ऐसे लेके जानी पड़ेगी और को यहाँ पे ऐसे रखनी पड़ेगी, हमको इसमें पानी डालना पड़ेगा इसमें से। अपना बैग तैयार है, निकलते हैं यहाँ से। आगे कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ पे गाड़ी फंस गई है, तो यहाँ पे सब गाड़ी निकालने के लिए लगे हुए हैं। गाड़ी फंस गई थी वहाँ पे और उसको धक्का देके निकलवा दिया सभी ने। अब यहाँ से ये भी सिंगल का है तो पीछे चलना पड़ेगा शायद अपन को। ये देखो ये कैसे है, मतलब फंस के और ये पूरा नीचे अंदर। वही टाइम हो गया 11:12 और हम लोग अब नीचे जहाँ हमारी बाइक के खड़ी है पहुंची बस है, वो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं फाइनली चोपता। डन। ओके बाय बाय। तो भाई साहब अभी टाइम 11:50 हो गए हैं और अपनी जो बाइक्स है यहाँ पे भाई साहब ने ऑलरेडी वार्म कर लिया है और अपना वहाँ पे अभी उसका वार्म अप चल रहा है। तो इस होटल में अपन रुके थे और अभी इनको सी ऑफ करके अब हम निकलेंगे। जो इसमें कल की राइड है वो 70 किलोमीटर की थी, तो इसको मैं वापस जीरो कर देता हूँ। पकड़ने के लिए तैयार जय बजरंग बली। कितना अच्छा होता हम लोग पूरी बाइक ही ऊपर लेके जा पाते। मौसम ही ऐसा कुछ खतरनाक स्नोफॉल हो गया था, इस चक्कर में हम नहीं ले जा पाए। काफ़ी अच्छी ट्रिप रही है यार तुंगनाथ, मतलब पूरे दर्शन की। तो अभी हम निकल चुके हैं मतलब पोथीबासा से ऊखी मठ के लिए, जो कि पोथीबासा से लगभग 18-19 किलोमीटर दूर है। और भालू MSK भाई वाले भालू यहाँ पे भी है, जो पीछे गौरव जी बैठे हुए हैं उनकी फट रही है अपन की ड्राइविंग देख के, क्योंकि अपनी ड्राइविंग बहुत स्लो है। भाई साहब नज़ारे देखो आप, तो मैं इतना शायद इन नज़ारों को एंजॉय नहीं कर पा रहा क्योंकि थोड़ा ध्यान मेरा रोड पे ही है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है पीछे भाई साहब बैलेंस बिगड़ाने की कोशिश करते हुए। अच्छा ये चक्कर चल रहा है, उसने क्या वो लगा रखा है एक्शन कैम, तो मैं देखूँ बैलेंस ऐसा कैसे जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा क्योंकि ये पीछे 80-90 किलो का आदमी है, जब हिलता है ना तो गाड़ी का बैलेंस थोड़ा सा ऐसे होता ही है, तो इसलिए थोड़ा सा अपन को ध्यान से चलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो भाई साहब अभी अभी अपन इधर से निकल के और यहाँ से घूम के आ रहे थे कि हमें रास्ते में दिख गया ये, ओ माय गॉड इतना सेक्सी सा पुल, पुल के ऊपर झरना, अल्टीमेट जगह। ओके तो अभी ज़्यादा ऑफ रोड आ गया है और पूरा रास्ते में रोड का निर्माण चल रहा है, इस चक्कर में पूरी टूटी फूटी पड़ी हुई है। देखना पड़ेगा ऐसी कहाँ तक आती है आखिर यार, या तो अगर ऐसी ही रही तो या तो बहुत दिक्कत रहेगी यार, हमारी स्पीड तो बिल्कुल स्लो हो गई है इस पर। बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है यार स्पीड। इस पूरे रास्ते पर काम चल रहा है क्या, पूरे पर काम चल रहा है इस पर? ओके ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे क्योंकि इस पर बता रहे हैं कि पूरे पे ही काम चल रहा बताएं। देखते हैं कहीं तो होगा जहाँ खींचने की जगह मिलेगी वहाँ पे खींचेंगे। ये देखो फिर से पूरा ऑफ रोड ट्रेल आ गया है, मतलब पीछे से गाड़ी डांस करती हुई चलती है और आगे से इसको बिल्कुल कस के पकड़ना पड़ता है, पता ही नहीं लग पाता कि जा किधर रही है। ओके शायद अब हमें जगह मिली है। अच्छी खासी स्पीड बनी हुई है, गूगल आंटी को हमने 15 मिनट पीछे कर दिया है अभी तक, तो नहीं फिर भी वही है हम लोग कहीं ना कहीं तो रुकेंगे और जैसे हम लोग रुकते हैं फिर गूगल आंटी आगे हो जाती है। गई 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 बच गई बच गई बच गई। डांस कर रही है बहुत ज़्यादा। बच गई नहीं गई, बहुत ही ज़्यादा डांस कर रही है यार, ये बहुत ही रफ पैच आ गया। ओके
कि नहीं मत जाना मत जाना मत जाना मत जाना मत जाना जाना मत जाना मत जाना मत जाना मत जाना मत जाना मत ओके कंप्लीट। भाई साहब जाते टाइम तो ये इतने बेकार पेचेस नहीं थे, अब आते टाइम पता नहीं कहाँ से इतने सारे बेकार पेचेस आ गए। ओके तो अभी थोड़ा सा इश्यू हो गया, टॉप बॉक्स में से पूरे में से पानी निकल रहा था और हमारे सामान थोड़े से भीग गए हैं। पहले इन सबको निकालते हैं इधर साइड में और फिर इसको उठाते हैं और इसमें से ऐसे कैसे लेके के लेसन नंबर वन। हाँ टॉप बॉक्स में ऐसा सामान नहीं रखना चाहिए जो पंचर होके सामानों को गीला कर सके। तो अभी टाइम हो गया 2:30 और हम लोगों ने कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट 73 किलोमीटर्स। ठीक खासी स्पीड बना रखी है, मतलब ठीक ठाक खींच रहे हैं। ओके तो यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लिया है और भाई साहब ये आज बुलेट को भगाने में लगे हुए हैं बुरी तरह से। बहुत सेक्सी पेस बनी हुई है हमारी, कोशिश कर रहे हैं कि रुड़की तक ही पहुँच जाए, नहीं तो फिर ऋषिकेश रुकना पड़ेगा। अभी अभी अपन रुक रहे हैं यहाँ पे चाय ब्रेक के लिए, ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर और होगा यहाँ से। तो भैया आज ऑफ रोड करके देखो धूल में क्या हालत हो रखी है, आज असली बाइकर लग रहा है ये। रॉयल फीलिंग आ रही है भाई साहब, पोचा लगा दिया गया है उसके। अभी भी ऋषिकेश 101 किलोमीटर शो कर रहा है और बता रहा है कि हम 6:40 पे पहुंच जाएंगे।